मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं 5:10 और आज हम निकल रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। सो मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन पे। आनंद, आपने जो मेरा भाटकर डैम का वीडियो देखा होगा उसमें आपको मैंने दिखाया था आनंद जो रेस्टोरेंट है। सो खाना यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है। एंड यस, वी आर गोइंग टू महाबलेश्वर। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, वन डे ट्रिप। एक्चुअली ठंडी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी अभी, तो उसके पहले थोड़ा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लिया जाए। सो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड वी लीव फ्रॉम हियर। आई विल शो यू सम ग्लिम्स ऑफ द रोड। यप, चलो। सो गाइस, हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं महाबलेश्वर और हमें यहाँ दिख गए हैं कुछ पेड़े। तो यहाँ के फेमस है कंदी पेड़े। यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी जो आपको कंदी पेड़े देगी। वहाँ पे बाहर लिखा ही होता है कि कंदी पेड़े। तो हम अभी रुके हैं अंकिता स्वीट्स, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं कैसे है। तो अभी फ़िलहाल हम लेंगे थोड़े से टेस्ट करने के लिए, बिकॉज आई हैव नेवर टेस्टेड कंदी पेड़े। तो कंदी पेड़े लेंगे और फिर आपको बताते हैं उसका टेस्ट कैसा है। सो यहाँ पे ये पिकल्स और यहाँ का ये स्पेशलिटी भी है। सो यहाँ पे पिकल्स है, यहाँ पे हल्दी पाउडर और यहाँ का वो सब आपको देसी प्रॉपर चीज़ें, पापड़, वो सब भी मिल जाता है। सो जस्ट टू लेट यू नो द लोकेशन ऑफ दिस शॉप, ये दो रास्ते के बीच में है। सो बेसिकली हम यहाँ से आए हैं और हम जा रहे हैं इस तरफ। सो जब आप यहाँ से आओगे तो इट विल बी ऑन योर लेफ्ट, सॉरी ऑन योर राइट। सो हमने पूछा कि कंदी पेड़े क्या होते हैं। तो बेसिकली कंदी पेड़े इज़ मेड आउट ऑफ मलाई का बनता है और उसमें दो कलर्स रहते हैं, एक वाइट भी रहता है जिसे मलाई पेड़े बोलते हैं, और कंदी पेड़े यूजली ऑरेंज रहता है जैसा आपने देखा जो हमने खरीदे अभी। तो ऑरेंज कलर के रहते, अच्छे रहते, छोटे छोटे और प्योर मलाई, प्योर देसी घी का टेस्ट है उसमें। तो अब मैंने ओनर से बात किया बट दे आर नॉट विलिंग टू कम ऑन द कैमरा। सो ठीक है, बट काफ़ी अच्छे है एंड वर्थ बाइंग एंड वेरी 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 टेस्टी। चलो तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं आगे। तो कंडी पेड़े तो हमने खा लिए, काफ़ी अच्छे थे। हम थोड़ी बहुत और स्पेशलिटीज़ है जो हम देख रहे हैं कि वहाँ का फूड क्या अच्छा है। मैप्रो तो आपको सब आप सबको पता ही है। तो हम वहाँ पे थोड़े स्ट्रॉबेरीज भी लेंगे और मैप्रो तो जाने ही वाले हैं। तो एक दो रेस्टोरेंट्स है जो मुझे ट्राई करने हैं, जो मैंने एक दूसरे ब्लॉगर वसीम शेख के ब्लॉग में देखा था कि उन्होंने वो रेस्टोरेंट्स में खाना खाया। बिकॉज महाबलेश्वर में मैं बहुत बार आ चुका हूँ और महाबलेश्वर में बहुत सारी जगह ऐसी है जो रेस्टोरेंट्स का खाना काफ़ी अच्छा नहीं होता है। बहुत गिनी चुनी रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे अच्छा फूड रहता है। तो वो एक रेस्टोरेंट है जो उन्होंने कहा था अपने ब्लॉग में कि वो काफ़ी फेमस है, तो हम वो रेस्टोरेंट में जाएंगे और हम वहाँ पे खा के देखेंगे और आपको रिव्यू। ये यहाँ पर हम महाबलेश्वर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे एंटर पे ही आपको एक फेमस पॉइंट मिलेगा जिस
जिसे टेबल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये है ये जोस्टल करके जो आपने देखा, वो जोस्टल बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पे उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है ये चीज़ कि यहाँ पर ऐसा है कि जो ट्रेलर्स रहते हैं हमारे ट्रक के, उनके ऊपर से इन्होंने ये डिज़ाइन किया हुआ है। वो जो रूम्स है जो उनके, वो ट्रेलर्स के अंदर है, वेरी कोजी रूम्स। मैं यहाँ पे आके रह चुका हूँ एक बार। यहाँ पे बेसिकली यंगस्टर्स के लिए और यंग कपल्स के लिए वो होता है, राइडर्स के लिए भी स्पेशली। इन्होंने एक और प्रोविज़न रखा हुआ है कि आप अगर सिंगल हो, मतलब अकेले आए हो राइडिंग पे या फिर कहीं पे भी, तो आप यहाँ पे बंक बेड ले सकते हो उनके, और आप वहाँ पे भी रह सकते हो। तो इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट एंड आई रियली लाइक इट, एंड आई रियली एडवाइज पीपल टू कम एंड स्टे ओवर हियर। यहाँ पे दो तीन होटल्स हैं जहाँ पे मैं रह चुका हूँ, जो मुझे बहुत पसंद भी है, और मैं काफ़ी उसको रिकमेंड भी करूँगा। जैसे जोस्टल मैंने कहा, और दूसरा एक है कीज प्राइमा है, फिर हयात है। यहाँ पे मैं रह चुका हूँ मेरे वेडिंग शूट्स में, और मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। तो आई हैव स्टेड हियर एंड आई हैव बीन इन दिस प्लेस। दे आर वेरी गुड होटल्स, वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे काफ़ी और होटल्स भी है जहाँ पे आप रह सकते हो, बट ये तीन मेरे फेवरेट है, तो हाईली रिकमेंडेड है। आप चाहो तो यहाँ पे आके रह सकते। बेसिकली पैराग्लाइडिंग बंद है, काफ़ी अच्छा होता है उन्होंने बताया, एक्चुअली यहाँ के जो लोकल्स है, कि पैराग्लाइडिंग अच्छा होता है यहाँ पे, बट आज बंद है बिकॉज के यहाँ पे पैराग्लाइडिंग इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन हवा के रुख पे डिपेंडेंट है, तो इन्होंने आज बंद रखा हुआ है। तो हम बेसिकली कभी अगली बार आएंगे तब देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमने अभी पास निकाल लिया है सब पॉइंट्स के लिए। तो अभी फर्स्ट पॉइंट हम जो देखने जा रहे हैं वो है सिडनी पॉइंट। तो मैं वॉक कर रहा हूँ, तो आप ओके। सो अभी हमारे पास गाड़ी है, बट हम वॉकी जा रहे हैं। तो ये सिडनी पॉइंट है, बेसिकली वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से एक लेक है या डैम है, पता नहीं, कुछ तो दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ दो मिनट में। तो काफ़ी अच्छा है। पहली बार मैं एक्चुअली बहुत बार महाबलेश्वर आ चुका हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। काफ़ी अच्छा है, शांत है, वेरी नाइस। आई थिंक शांत इसलिए है बिकॉज ड्यू टू कोरोना एंड ड्यू टू कोविड एंड ऑल, बट काफ़ी अच्छी जगह है, नाइस हाइक। काफ़ी आप देख सकते हो रास्ते काफ़ी लंबा हाइक है, बट गुड। हमारा थोड़ा वर्कआउट चालू हो जाएगा, वैसे भी हम वर्कआउट करने की थोड़ा स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो लेट्स सी। तो एंजॉय द व्यू ऑफ द लेक। हाँ, पहली बार आए तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? अमर जी। तो ये सिडनी पॉइंट पे ये टेलीस्कोप से हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं। टेलीस्कोप भी काफ़ी अच्छा है इनका। तो दो तीन चीज़ें हैं, क्या क्या दिखाते हो आप यहाँ पे? अच्छा, पॉइंट, टेबल पॉइंट, टेबल पॉइंट भी दिखता है क्या यहाँ से? अच्छा, चलिए, वेरी गुड। तो आप कितना लेते हो पर पर्सन का? पर पर्सन 30 रुपीज़, 20 रुपीज़।
23 रुपीज़। तो ये है, तो यू कैन वेन एवर यू आर कमिंग, या आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ का ब्यूटी तो आप देखते ही हो, बट उसको डिटेल में दिखाने के लिए आप प्रदीप जी से मिल सकते हो। ओके, तो जैसे कि ये प्रदीप जी थे, वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम जब आए यहाँ पे तो एक ज्योतिषी था, अच्छी अच्छी चीज़ें कही उन्होंने। मोस्ट ऑफ देम वर ट्रू ऑल्सो, बट ठीक है, आप ये छोटे छोटे इनकम पे रिलाई करते हैं। अगर आपको हो सके, कभी चांस मिले तो इनसे, इनकी सर्विसेज ज़रूर ले। ये प्रदीप जी थे, उनका टेलीस्कोप का बिजनेस है, सबका बिजनेस अभी फ़िलहाल अफेक्ट हुआ रहेगा, बिकॉज दिस इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट एंड यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो अभी आफ्टर कोविड आ रहे हैं। तो यू गाइस कैन स्टार्ट विजिटिंग हेयर अगेन, थिंग्स हैव ओपन्ड अप वेल। तो ये जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो एस्ट्रोलॉजर्स है। तो हम आ चुके हैं मैप्रो गार्डन, तो अभी यहाँ पहले करेंगे पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो हमने ये शॉपिंग कर ली है, वर्जिन मोहितो लिया है, ये जे पॉप लिया है, और चॉकलेट पान माय फेवरेट, और ये मेरे फ्रेंड्स ने लिया है फलेरो मसाला खाकड़ा। हम लोग खाना खा रहे हैं और माइन स्टोन सूप पिया जा रहा है, और उसके साथ चीज़ ब्रेड खाया जा रहा है। तो वी हैव ऑर्डर्ड सम मोर थिंग्स, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड ऑल दैट, जो यहाँ का फेमस है, तो खाते हैं। तो ये आ गई है हमारी आइसक्रीम। सो गाइज, हम आ चुके हैं बोटिंग करने, तो मैप्रो का फीवर ख़त्म, स्ट्रॉबेरी लेना देना ख़त्म, अभी आ गए हैं हम बोटिंग करने। तो बोटिंग करते हैं, देख रहे हैं हम, एक्चुअली हम दो तीन लोग हैं, तो लेट्स सी अगर हमारा बोटिंग का कैसा है एग्जैक्टली, कि वी आर प्लानिंग टू टेक अ पैडल बोट जिसपे हम पैडल करके कर सके। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे ये है रोइंग वाला बोट है, और फिर है ये एक मोटर बोट है यहाँ पे, स्पीड बोट, और वहाँ पे, और वो जैसे ब्लू वाला देख रहे हो वो हमारा पैडल बोट है। तो ये सब में से कुछ भी ले सकते हो। तो लेट्स सी क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल तो चार्जेस पे करते हैं और बोटिंग करने पर निकलते हैं। सो हम तैयार हैं जंग पे जाने के लिए, नेवल जंग। तो वी आर रेडी एंड लेट्स बोट। सो हम आ गए हैं पुराने महाबलेश्वर, या फिर पंचगनी आप कह सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें, हमने इस वाली दुकान से फज लिया, चॉकलेट चॉकलेट आमंड फज, और जो अभी यहाँ पे बहुत सारी वुडन की चीज़ें बनती है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और ये मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हो बहुत बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, एंड इट इज़ वेरी सैड टू सी कि ये दुकानें, ये एरिया एक टाइम पे इतना भरा हुआ रहता था, जब बहुत साल पहले आया था जब मैं, इतना भरा हुआ रहता था ये एरिया कि यहाँ पे गर्दी फुल रहती थी, और अभी ऐसी हालत है कि देयर आर नो पीपल। सो गाइस,
whoever is listening, Mahabaleshwar Panchgani has opened up for tourists. Please do come. Let's give these guys their bread and butter. It's very difficult for them. इनके लिए बहुत मुश्किल होती है अपना सर्वाइवल के लिए भी. तो आइए और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं. तो आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बताई. अभी हम जाएंगे खाना खाने. देखते हैं कौन सी होटल है. वो होटल का भी मैं आपको बताऊँ, वो रेस्टोरेंट का भी मैं आपको बताऊँगा. तो आप चाहिए तो आई एम अ नॉन वेज ईटर, सॉरी फॉर द वेज गाइज. तो आप वहाँ पे आके नॉन वेज खा सकते हो. और लेट्स सी हाउ इट टेस्ट. आई लेट यू गाइज नाउ. हम आ गए हैं अल मदीना रेस्टोरेंट. ये आपको होटल ड्रीमलैंड के सामने ही मिलेगा. हमने ऑर्डर किया है चाइनीज़. तो लेट्स सी खाते और फिर आपको टेस्ट बताते हैं.